नेता के एक चचेरे भाई का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया। अब मैं तुम्हें अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाने की जिद करूंगा, तो ना मैं खुद अंतरिक्ष में जा पाऊंगा और ना ही अपनी नौकरी बचा पाऊंगा। मेरी नौकरी चली जाएगी बिटिया, मुझे माफ कर दो। अंकल जी, मतलब जो आपके हाथ में था आपने किया, अब आप बस एक आखिरी काम कर दीजिए प्लीज। आप ये बात अपने तक ही रखिएगा कि मेरे पति को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, वरना मेरे पति की बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। सर नाइस है स्टे। नमस्ते। इलायची जी, ये बात छुपाने का क्या फायदा है जब हम जा ही नहीं रहे। जीजा जी, बंदूक खाली है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पर बाकी दुनिया तो हैंड्स अप करके खड़ी है ना। हम लोगों को ये दिखाएंगे कि आप अंतरिक्ष में गए, और जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष से घूम के आ गया ना, आप पापा से मेरा हाथ मांग लेना, और फिर हमारी सौगात कन्फर्म। यार हमें इसकी यही बात बहुत गलत लगती है, हर बात में जल्दबाजी, हड़बड़ाहट। पिंटू जी, आप ना कछुए की स्पीड में चलते हो, क्या हड़बड़ाहट कर रहे हो, फर्स्ट किस भी नहीं हो आपसे, चुप रहो आप।